हमने क्लास आज हम हिस्ट्री में लेसन नंबर 4 करेंगे रीजनल किंगडम्स। पिछले लेसन में आपने दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें जितने भी रूलर्स थे वो टर्क्स और अफगान्स थे और उनमें आपस में हमेशा कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होती रहती थी। जितने भी जो टर्किश ग्रुप्स थे और अफगान्स थे उनमें कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहती थी। इसी डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत जो हैं वो वेरियस रीजनल पावर्स में इमर्जेंस हो गई। उसमें अलग अलग रीजनल रूलर जो हैं वो आ गए थे। इनमें जो हैं विजयनगर के किंगडम और बहमनी किंगडम जो थे वो पावरफुल रीजनल किंगडम बन गए। अब सबसे पहले हम वेस्ट में जो गुजरात किंगडम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुजरात जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नॉर्दर्न पार्ट में है और इसमें जो है सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 1196 में इसको अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद जो है जो वहाँ के जौनपुर के गवर्नर थे उन्होंने मुजफ्फर शाह का टाइटल लेके अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम किंग घोषित कर दिया और उनके जो ग्रैंडसन अहमद शाह, उनका पोता जो है अहमद शाह, उन्होंने अहमद शाह अहमदाबाद सिटी की स्थापना की। अहमदाबाद सिटी जो है उनका निर्माण जो है किसने किया था, हिज ग्रैंडसन अहमद शाह, और उसने अपनी कैपिटल अनहेलवारा को बनाया। और इसके बाद जो उन्होंने अपने नेबरिंग स्टेट्स और मालवा के साथ बहुत सारे युद्ध किए और उनके अपने अंडर कर लिया। उसके बाद महमूद शाह और बहादुर शाह जो हैं ये भी इन्हीं के रूलर्स थे। इनमें सबसे बेस्ट जो हैं गुजरात के रूलर जो थे वो महमूद शाह मगोरा थे। ये जब 13 ईयर्स के थे तभी इन्होंने अपने राजगद्दी को राजा बन गए थे और 52 ईयर्स तक इन्होंने उस राज्य के रूल किया। ही कैरी ऑन ए लॉन्ग वॉर, इन्होंने मेवाड़ के राणा जो थे उनके साथ काफ़ी देर तक युद्ध किया, काफ़ी लंबा युद्ध चला इनका। और ये जो है अपने नेबरिंग्स जो उनके और जो नेबर स्टेट्स थी उनके साथ भी युद्ध किया जिससे जो है ये विक्टोरियस हुए थे, विजय प्राप्त की थी इन्होंने। खाली जो पोर्तुगीज थे जो उस टाइम ये वेस्टर्न इंडिया में पावर गेन करते जा रहे थे उनसे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनके साथ युद्ध में दीव में 1509 में जो युद्ध हुआ उसमें ये हार गए। उसी टाइम एट अबाउट द सेम टाइम सिकंदर लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो सुल्तान थे सिकंदर लोधी, उन्होंने गुजरात को एक इंडिपेंडेंस किंगडम घोषित कर दिया। बहादुर शाह जो कि महमूद शाह के ग्रैंडसन थे उन्होंने मालवा को 1531 में अपने किंगडम में एनेक्स कर लिया और उसके 3 साल बाद 3 ईयर्स लेटर उन्होंने जो है चित्तौड़ का जो किला था राणा मेवाड़ के राणा से चित्तौड़ के किले को अपने अंडर ले लिया था। गुजरात के जो लास्ट सुल्तान थे मुजफ्फर शाह उनको अकबर ने हरा दिया और अकबर ने जो है मुगल किंगडम जो है उन्होंने इस किंगडम को गुजरात किंगडम को जो है 1572 में पूरा कॉन्क्वेस्ट करके जीत के अपने एम्पायर में अनेक्स कर लिया। अहमदाबाद वॉज मेड द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन इंडिया एंड डिजर्व द स्टेटस एट द एंड ऑफ द 16th century। अहमदाबाद जो है वो इंडिया का एक बहुत ही ब्यूटिफुल सिटी बन गया था 16th century में। इसकी जो बिल्डिंग्स थी बहुत यूनिक थी, एलिगेंस थी और डेकोरेशन में भी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स थी। अभी भी गुजरात में जो है लिविंग आर्ट था। ये एक ऐसी स्टेट थी जिसमें जो है अभी भी पुराने अर्ली ट्रेडिशन जो पुराने क्राफ्ट हैं अभी भी वहाँ पे चल रहे थे। जितने भी पुराने आर्ट क्राफ्ट थे अभी भी यहाँ पे, ये खाली एक ऐसी स्टेट थी गुजरात जहाँ पे अभी भी पुराने आर्ट को मान्यता दी जाती थी। नेक्स्ट रीजनल किंगडम है मालवा। द प्रिंस ऑफ मालवा वॉज नेक्स्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी
इन 1305 एंड रिमेन अ पार्ट ऑफ द सल्तनत टिल इट्स गवर्नर दीवान खान गोरी असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस इन 1435। मालवा का जो जिला था, मालवा की जो प्रोविंस थी, उसे अलादीन खिलजी ने 1305 में अनेक्स कर लिया था। और ये इसके जो एक गवर्नर थे दीवान खान गोरी, उन्होंने इसको फिर 1435 में एक इंडिपेंडेंस किंगडम बना दिया था। उनका जो बेटा था हिज सन अल्प खान अलाइज होशांग शाह, जिन्होंने 1406 से 1435 तक जो है वो इसको रूल किया था। महमूद खान हू द थ्रोन ऑफ 1436 रूल्ड अंडर द टाइटल ऑफ शाह एंड फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी ऑफ मालवा। महमूद खान जो है उन्होंने 1436 में जो है उसके ऊपर कब्जा किया और उन्होंने शाह टाइटल लिया अपने शाह और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। सून द किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सतपुरा रेंजेस, जल्दी ही उसने अपने राज्य को जो है जो सतपुरा रेंजेस है उसके साउथ में, गुजरात में, वेस्ट में, बुंदेलखंड, मेवाड़, इन सब एरिया को जो है अपने अंडर कॉन्कर कर लिया था। गुजरात मालवा बिकेम ए पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा जो है वो गुजरात का एक पार्ट बन गया था 1531 में, और लास्ट में 1562 में से मुगल्स ने फाइनली इसको अनेक्स कर लिया था। नेक्स्ट प्रोविंस है खानदेश। द स्मॉल किंगडम ऑफ खानदेश इन द वैली ऑफ द ताप्ती बिकेम इंडिपेंडेंट लाइक सो मैनी अदर प्रोविंसेस इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 14th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ फैमिली ऑफ अरर डिसेंट अंटिल 1601। खानदेश जो है एक छोटी किंगडम थी और इसे जो है जो अरब के डिसेंडेंट थे, अरब से आने वाले जो थे उनके जो सक्सेसर थे, उन्होंने 1601 में जो है इसको खानदेश को अपने अंडर किया था। व्हेन अकबर ऑब्टेन्ड पोजेशन, जब अकबर ने जो है आसिफ घर का जो किला जो था उसके ऊपर पोजेशन कर लिया और उसने जो है और जो आसिफ घर को जो उन्होंने पोजेस किया था, अपने अंडर किया था, तो उसका रोड जो है वो डेक्कन को जाने वाले रास्ते में पड़ता था। प्रिंस तनियाल वॉज मेड गवर्नर ऑफ द कॉन्कर्ड प्रिंस प्रोविंस और अकबर ने जो है वो अपने प्रिंस को, अपने राजकुमार को जो है इस खानदेश का गवर्नर बना दिया। नेक्स्ट है मेवार। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर इट्स कैपिटल चित्तौड़ इन 1303। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जो है उसको कॉन्कर कर लिया, कैप्चर कर लिया 1303 में, लेकिन जो राजपूत जो थे, राजपूत रूलर जो थे, उन्होंने उनके जो राणा हमीर थे उन्होंने उनसे दोबारा ले लिया। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस हाउस वॉज द फेमस राणा कुंभा करण, पॉपुलरली नोन एज कुंभा। राजपूत रूलर जो उस समय जो है, कौन सा राजपूत रूलर था, राणा कुंभा करण, और उसको पॉपुलर उसका नेम क्या था, कुंभा, उसको क्या के कुंभा के नाम से उसको ज़्यादा जाना जाता था। ही कैरीड आउट इन सेंट वारफेयर अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ गुजरात एंड मालवा। जो राणा कुंभाकरण थे उन्होंने गुजरात और मालवा के रूलर्स के साथ जो हैं काफ़ी सारे युद्ध किए और उन्होंने अपने उन युद्ध को शो करने के लिए कि उसमें विक्ट्री हुई है, उसमें जीत हुई है, उन्होंने विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ चित्तौड़ में जो है एक विक्ट्री टावर या उसको विजय स्तंभ भी कह सकते हैं, अपनी मालवा को जीतने की खुशी में वहाँ पर एक विक्ट्री टावर बनाया था। लेकिन मेवाड़ जो हैं वो अपनी पीक में, अपनी ग्लोरी जो उन्होंने गेन की वो कौन से राजा के अंडर की थी, वो राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने 1509 से लेके 1528 तक जो रूल किया था। राणा संग्राम सिंह जो हैं उनके अंडर जो हैं मालवा जो हैं अपने पीक पे, अपने जो हैं उनकी ऊंचाइयों में पहुंच गए थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद जो हैं वो बाबर से हार गए। बाबर से कौन से युद्ध में हारे थे, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और उसके बाद जो है मेवाड़ को उन्होंने मुगलों ने अपने अंडर कर लिया जहांगीर ने 1615 में। नेक्स्ट रीजनल किंगडम है मारवाड़। द राठौर किंग्स रूल्ड ओवर मारवाड़
महाराजा जोधा बिल्ट द फोर्ट ऑफ जोधपुर एंड फाउंडेड ए न्यू टाउन जोधपुर एंड मेड इट हिज कैपिटल। जो राठौर किंग्स थे वो मारवाड़ मारवाड़ के ऊपर मारवाड़ रीजन जो है वहाँ पे राठौर किंग्स जो हैं वो रूल करते थे, और उनके जो महाराजा जोधा थे उन्होंने जोधपुर का एक फोर्ट बनाया, और जो जोधपुर आज का टाउन है ना, जो आज शहर है जोधपुर राजस्थान में, वो जोधपुर जो है उसकी नींव उन्होंने रखी थी और उसे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। उनका एक बेटा था बीका, जो कि बीकानेर स्टेट के, जो आजकल बीकानेर स्टेट जो है उनके नाम पे, ये जो उनका बेटा था बीका उसके नाम पे, जो बीकानेर स्टेट है उसके नाम पे पड़ी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मालदेवा हु फाउट अगेंस्ट शेरशाह सूरी। इस डायनेस्टी के जो फेमस रूलर थे वो मालदेवा थे, जिन्होंने शेरशाह सूरी के साथ जो है युद्ध किया था। ये तो वेस्टर्न की स्टेट आ गई, आप आएंगे नॉर्थ में, किंगडम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट कश्मीर, जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं और कश्मीर जो हैं। द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर वॉज शमशासुद्दीन शाह हु सीज्ड द थ्रोन इन 1339। कश्मीर के सबसे पहले मुस्लिम रूल थे शमशासुद्दीन शाह, उन्होंने जो राजगद्दी ली थी, थ्रोन पे लिया था, जब राजा बने थे वो कब बने थे, 1339 पे। उनका ओरिजिनल नेम क्या था, शाह मीर, जो कि एक एडवेंचरर थे, एडवेंचर मतलब जो एडवेंचर करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिकंदर 1349 to 1420 दैट तिमूर इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया। सिकंदर दाउ अ ब्रेव एंड पावरफुल रूलर वॉज अ रिलीजियस बाइगोड। सिकंदर जो थे, जो वो एक बहुत ही पावरफुल और ब्रेव रूलर थे, लेकिन वो एक रिलीजियस जो है कट्टरपंथी जो से होती है, धार्मिक कट्टर जो थे वो कट्टरता उनमें थी। ही प्रोसिक्यूटेड द हिंदूज। सिकंदर वॉज डिपोज्ड बाई हिज ब्रदर शाह खान। उन्होंने हिंदुओं के साथ जो है वो क्रुअल्टी के साथ ट्रीटमेंट करते, जो हिंदुओं के साथ उनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं था। सिकंदर के बाद जो है उनका भाई शाह खान जो है उन्होंने रूलर, वो रूलर बने, और उन्होंने कौन सा टाइटल लिया, जैन उल अबिदीन। और जैन उल अबिदीन जो थे वो एक लिबरल एनलाइटेड और बेनिवोलेंट किंग थे, मतलब वो किंग ऐसे थे जेनरस थे, काइंड थे। जैसे सिकंदर थे वो दयालु किंग नहीं थे, वो हिंदू के साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन जो उनके भाई थे शाह खान, जिन्होंने जैन उल अबिदीन जो टाइटल लिया था, अपना नाम चेंज किया था, तो वो एक लिबरल किंग थे, वो एक काइंड और जेनरस किंग थे। और उनको जो है उन्हीं अपनी दयालुता के कारण जो है कारण है उनको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया वहाँ के लोगों के लिए, ही ब्राउट बैक द ब्राह्मण हु हैड फ्लेड द किंगडम। ही गोट द महाभारत एंड राजतरंगिणी ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन। जो भी हिंदू ब्राह्मण्स थे जो कश्मीर को छोड़ गए थे, जो सिकंदर लोधी जो हैं वो हिंदू के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, इसलिए जो बहुत से ब्राह्मण जो थे वो कश्मीर को छोड़ के चले जा चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके भाई थे जैनुलद्दीन जिन्होंने टाइटल लिया था, उन्होंने उन सारे ब्राह्मण को वापस बुला लिया, और उसके बाद जो है हिंदू धर्म की जो बुक्स हैं महाभारत और राजतरंगिणी जो हैं उनको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। लेकिन बाद में जो है ये जो किंगडम है, ये जो राज्य था, अकबर ने 1586 में जो है इसको अपने अंडर कर लिया था फ्रॉम द चक्का ट्राइब। चक ट्राइब नेक्स्ट रीजनल किंगडम है बंगाल, मेड ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बाय इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इन 1204। बंगाल की जो किंगडम थी उन पे जो है दिल्ली सल्तनत के कौन से थे, इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है ये वहाँ के रूलर थे। लेकिन बंगाल जो है हमेशा जो है प्रॉब्लमेटिक रहा। बंगाल ऑलवेज प्रूव्ड अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि बंगाल जो है ये दिल्ली से बहुत दूर है,
और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करना, उसके ऊपर राज्य करना, उसके ऊपर शासन प्रबंध करना जो है बहुत मुश्किल पड़ता था, इसलिए जो है ये हमेशा प्रॉब्लम इसके लिए रहा। ग्यासुद्दीन तुगलक जो इनके रूलर थे, ग्यासुद्दीन तुगलक, इन्होंने इस किंगडम को जो है डिवाइडेड इट इंटू थ्री इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इनके ऊपर शासन करने के लिए बंगाल के ऊपर इसके तीन पार्ट कर दिए। उनके क्या नाम थे, लखनौती, सतगांव एंड चुनारगांव, तीन पार्ट कर दिए फॉर इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। बट इन 1345 हाजी इलियास अनडिड द पार्टीशन एंड बिकेम द रूलर ऑफ यूनाइटेड बंगाल। लेकिन 1345 में हाजी इलियास थे, उन्होंने इनको तीनों को इकट्ठा कर दिया और पूरे बंगाल का जो है वो रूलर बन गए थे। और उन्होंने कौन सा टाइटल लिया, शमशासुद्दीन इलियास शाह। इन्होंने ही रेडिड ओडिशा एंड त्रिउट एंड लेड एन एक्सपेडिशन टू नेपाल एंड ब्रॉट ए गुड बूटी फ्रॉम काठमांडू। इन्होंने ओडिशा के ऊपर रेड कर दिया, आक्रमण कर दिया ओडिशा और त्रिउट के। उसके बाद जो है नेपाल के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ से जो है बहुत सारा धन दौलत जो है गुड बूटी, काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है वहाँ से जो है गुड बूटी मतलब बूटी का होता है बहुत सारी धन दौलत जो है वहाँ से लेके आए थे। इट वॉज अंडर द रूल ऑफ सैफुद्दीन हमजा शाह हु असेंड द थ्रोन इन 1410। 1410 में जो है एक रूलर हुए थे सैफुद्दीन हमजा, जो इनके दरबार में एक हिंदू ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जिम्मेदार थे राय गणेशा, जो इनकी कोर्ट में इनकी जो है अदालत थी, इनके जो मिनिस्टर्स थे उनमें एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे हिंदू ब्राह्मण जिम्मेदार, जिनका नाम क्या था, राय गणेशा। नेक्स्ट रीजनल किंगडम है जौनपुर। मलिक शरवार विद द टाइटल मलिक उस शरक हु वॉज गवर्नर ऑफ जौनपुर फ्रॉम 1394 थ्री ऑफ द एलिगेंस टू द दिल्ली सुल्तान इन द कन्फ्यूजन फॉलोइंग तैमूर इन्वेजन एंड एसर्टिक इंडिपेंडेंस। मलिक शरवार जो हैं जो जौनपुर के गवर्नर थे, उन्होंने टाइटल लिया मलिक उस शराब। उन्होंने जब क्या किया, अपनी एक इंडिपेंडेंस किंगडम जौनपुर में बना ली, इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइटल लिया था शराब, इसलिए उनके सक्सेसर को जो है शरीकिस के नाम से जाना जाता है। अंडर द रूल ऑफ शमशासुद्दीन इब्राहिम जौनपुर अटेन ग्लोरी पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इनके रूल के अंडर जब ये रूलर थे तो जौनपुर जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी, शांति और खुशहाली थी। हुसैन शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ डिनेस्टी। इस डिनेस्टी के इस वंश के सबसे लास्ट रूलर कौन थे, हुसैन शाह। ये नॉर्दर्न किंग चाहिए। अब साउथ की जो किंगडम है उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। किंगडम इन द साउथ, साउथ में किंगडम थी विजयनगर। शॉर्टली आफ्टर द डिस्ट्रक्शन बाय मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ फैसला पावर फाइव ब्रदर फिडोटिस ऑफ द स्टेट बिगेन टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम टू द साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जो हैं उनके डेल्टा में जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो हैं फाइव फेडोटिव पांच राजा जो हैं उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में जो है रूल अगले अलग अलग रीजन जो हैं वहाँ पे रूल किया। इनमें जो है दो जो हैं हरियरा फर्स्ट और बुक्का, जिन्होंने 1336 से लेके 76 तक जो किया था, ये जो हैं ये फर्स्ट टू किंग्स ऑफ विजयनगर, विजयनगर के ये पहले दो किंग्स माने जाते हैं। कौन कौन, हरियरा फर्स्ट और बुक्का। ये जो विजयनगर किंगडम बनी, द न्यू किंगडम ग्रू सो क्विकली दैट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ब्रदर्स द मुगल्स वर ड्रेवन फ्रॉम मथुरा। इन भाइयों के कारण जो ये किंगडम जो है इतनी अच्छी बन गई कि मुगल को जो है वो मथुरा से आगे वो यहाँ आगे नहीं बढ़ पाए। द लर्न ब्राह्मण माध्वाचार्य एंड हिज ब्रदर शाइना द फेमस कमेंटेटर ऑन द वेदास एंड द अदर सेकेंड टीचर वर मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट फोर किंग्स। इस एरिया के जो फर्स्ट फोर किंग्स थे इनके जो हैं इनमें एक बहुत ही लर्न ब्राह्मण थे माध्वाचार्य और उसके भाई जो हैं साइनाथ जो थे वो वेदा के ज्ञाता थे।
और भी जितने भी सेक्रेड टीचर हैं, जो जितने भी धार्मिक टीचर हैं उनके, वो मतलब उनको बहुत अच्छा ज्ञान था वेदा का, या जितने भी सेक्रेड टीचर हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। द कैपिटल वॉज एस्टेब्लिश्ड एट विजयनगर, और विजयनगर जो है उनको जो है विजयनगर जो जगह है उसको जो है कैपिटल बनाया गया। अभी भी हम हम्पी जो ये है मध्य साउथ की तरफ है, वहाँ पे हम इसके जो है रियूज देख सकते हैं। द नेबरहुड इन द ब्लेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, मद्रास के मद्रास डिस्ट्रिक्ट में ब्लेरी के पास जो है हम्पी है, वहाँ पे इसके रियूज हमें देख सकते हैं। द किंग्स हु वर कनरस बाय बर्थ अज्यूम्ड द कनरस टाइटल ऑफ फ्राया, जो यहाँ के किंग्स थे वो बाय बर्थ जो है कनरस थे और उन्होंने टाइटल कौन सा लिया था, राय। अंडर दियर केयर द सिटी प्रोग्रेस्ड विद सच रैपिडली दैट व्हेन इट वाज विजिटेड इन 1443 बाय अ पर्शियन एम्बेसडर नेम अब्दुल रजाक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट सिटी इन एशिया। जो राइस यहाँ के रूलर बने उनके अंडर जो है यहाँ के शहर ने, विजयनगर शहर ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, जब 1443 में एक पर्शियन एम्बेसडर आए थे यहाँ पे अब्दुल रजाक जो है, तो तब ये शहर जो था विजयनगर जो था एशिया में एक मैग्निफिकेंट सिटी उसने कहा था कि एशिया में सबसे मैग्निफिकेंट सबसे अच्छा शहर जो है वो विजयनगर है। किसने कहा था, एक पर्शियन एम्बेसडर आए थे जिनका नाम क्या था, अब्दुल रजाक। इस रियून विच हैव बीन सर्वे रिसेंटली इन डिटेल आर क्राउडेड विद फाइन हिंदू बिल्डिंग्स। अभी अभी जो है रिसेंटली, रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले ही यहाँ इसके शहरों को जो है सर्वे किया गया, तो उससे भी पता चलता है कि इस शहर में जो है बहुत अच्छी हिंदू बिल्डिंग्स थी जिसने की है एंड कवर मैनी स्क्वायर माइल्स, मतलब बहुत सारा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था। और जैसे कि कन्नौज और दिल्ली को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता था, ऐसे ही शहर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया हुआ था। और यहाँ के बाजार जो थे वहाँ में हर तरह की आइटम्स इन डीलर्स इन ऑल कमोडिटीज ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड के मतलब इसके तरफ के जो जितनी भी जूट के सामान था, जूट की चीज़ें थी, वो इन बाजारों में मिलती थी। कृष्णदेव राय, अब कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के रूलर थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विजयनगर किंगडम में बी समड अप इन द स्टेटमेंट दैट द राइस वर एंगेज कंटिन्यूसली इन फाइटिंग दियर मुस्लिम राइवल्स एट द फर्स्ट द बैमनी किंगडम एंड देन द फाइव सल्तनत ऑफ द डेक्कन। जो राइस किंगडम थे, राय के जितने भी रूलर्स हुए हैं, उनको हमेशा जो है अपने मुस्लिम विरोधियों के साथ, बैमनी में जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके साथ, और डेक्कन में फाइव सल्तनत थे उनके साथ हमेशा जो है युद्ध करने में उनका टाइम निकलता था। और सबसे इनके फेमस रूलर थे, द मोस्ट नोटेबल ऑफ द राइस वॉज कृष्णादेव राय, जिन्होंने 1509 से लेके 29 तक रूल किया था। और इन्होंने जो है उड़ीसा, गोलकुंडा एंड बीजापुर को भी ओवरकम कर लिया था, मतलब जीत लिया था। ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू सोवरेन, ये हिंदू सबसे लास्ट हिंदू रूलर, इंडिया के सबसे लास्ट हिंदू रूलर थे। और ये जो है अपनी रिलीजियस जील के लिए और चार्मिंग डिस्पोजिशन के लिए फेमस थे, ये बहुत ही धार्मिक विचारों वाले थे और उसके लिए ये बहुत फेमस थे। और इसके अलावा जो है जो जिन रूलर्स को ये जीत लेते थे, उनके कंट्रीज को, सॉरी उनके रीजन को जीत लेते थे, उनके साथ में इनका जो है बिहेवियर बहुत अच्छा होता था। हिज काइंडनेस टू द फॉलन एनिमी, फॉलन एनिमी मतलब अपने शत्रु जिनको ये जीत लेते थे, तो उनके साथ का बिहेवियर जो था वो काइंडनेस वाला होता था। एंड हिज एक्ट्स ऑफ मर्सी एंड चैरिटी टूवर्ड्स द रेजिडेंट्स ऑफ कैप्चर सिटी, जिन शहरों को ये कैप्चर कर लेते थे, जीत लेते थे, उनके जो रेजिडेंट्स थे, उनके वहाँ जो रहने वाले लोग थे, उनके साथ इनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा होता था। मेड हिम पॉपुलर, इस उसके कारण ये बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। हिज ग्रेट मिलिट्री पावर विच एंडर्ड हिम अलाइक टू हिज फ्यूडेटरी चीफ्स एंड टू हिज सब्जेक्ट्स मेड हिम अ ग्रेट किंग,
इनकी जो मिलिट्री पावर्स थी अपने सैनिकों के साथ इनका व्यवहार अच्छा था, जिस चीज़ में ये एक ग्रेट किंग बन गए थे। द रॉयल रिसेप्शन एंड काइंडनेस दैट ही इनवेडिबली बेस्टाउड अपॉन फॉरेन एम्बेसीज एंड इज इम्पोजिंग पर्सनल अपीयरेंस वर रिमार्केबल। इनकी जो है जो फॉरेन पॉलिसीज थी, जो फॉरेन के एम्बेसीज थे, उनके साथ में इनका बिहेवियर जो है, पर्सनल अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। ही जेन्युइन लुक एंड पोलाइट कन्वर्सेशन डिस्टिंग्विश्ड अ प्योर एंड डिग्निफाइड लाइफ। हिज लव फॉर लिटरेचर, रिलीजन, सोलिसिट्यूड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल इज वेल नोन। लोगों के साथ इनका व्यवहार या इनका जो लिटरेचर के प्रति इनका ज्ञान या इनके रिलीजन के प्रति इनका प्यार जो है, इससे जो है ये लोगों के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना ली थी। नाउ विजयनगर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जो राजा हुए वहाँ के कृष्णादेव राय या इनके जो भी सक्सेसर हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजयनगर। इन विजयनगर द किंग वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी। विजयनगर जो था उसके जो किंग जो था, राजा था, वही सुप्रीम पावर उसके पास होती थी, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए ही वो असिस्टेड बाय अ कैबिनेट ऑफ प्रधान, और उनकी हेल्प करने के लिए कैबिनेट होती थी जिसमें प्रधान जिनके मेंबर्स को प्रधान बोलते थे, और उस कैबिनेट का जो हेड होता था उसको महाप्रधान कहते थे। द पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 72 डिपार्टमेंट। जो पैलेस का महल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको, उसके कामों को 72 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया था, और ईच ऑफ देम हैविंग सेवरल फीमेल अटेंडेंस, और हर उसमें जो है फीमेल अटेंडेंस भी थी। हु वर ट्रेन्ड टू हैंडल माइनर एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। फीमेल अटेंडेंस भी थी, लेकिन जिनको उनको साथ में इस बात की ट्रेनिंग की गई दी गई थी कि अगर कभी उनको जरूरत पड़े एडमिनिस्ट्रेशन के काम में तो वो उनमें भी वो हेल्प कर सके। पूरा एम्पायर जो था, द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 मेन राज्यस। पूरा एम्पायर 5 मेन राज्यस में बटा हुआ था, और उसके बाद जो राज्यस थे वो रीजन्स में बटा हुआ था, और रीजन वर डिवाइडेड इंटू काउंटीज। और रीजन जो है वो काउंटीज में बटी हुई थी, और हर काउंटी में जो है म्यूनसिपैलिटी होती थी। म्यूनसिपैलिटी जो है उसका देखभाल करने के लिए उसके कामों के, कि कौन कौन से वहाँ की प्रॉब्लम्स आती हैं या उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो है वो उसके लिए म्यूनसिपैलिटी बनी हुई थी। द कैपिटल सिटी ऑफ द एम्पायर वॉज टोटली डिपेंडेड अपॉन द वाटर सप्लाई सिस्टम। जो कैपिटल सिटी थी वो वाटर सप्लाई जो है वहाँ का बहुत अच्छा था, उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर जो है उसकी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड थी। द इकोनॉमी ऑफ दिस एम्पायर वॉज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों का जो मेन काम क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कोकोनट वॉज द प्रिंसिपल कैश क्रॉप। कोकोनट आपको पता ही है, साउथ की तरफ कोकोनट्स बहुत होते हैं, तो कोकोनट जो है वो वहाँ की एक कैश क्रॉप थी। इसके अलावा और मसाले जो हैं, टर्मरिक, पेपर, कार्डमम, जिंजर, ये जो है हिली रीजन है, मलाड का हिली रीजन है, वहाँ पे ये सारे स्पाइसेस ग्रू होते हैं। एंड वर ट्रांसपोर्टेड मतलब टू द सिटी फॉर बिजनेस। दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में इनको बिजनेस के तौर पे बेचा जाता है। द मेन इम्पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट वर नॉन फेरस मेटल्स, कैम्फर, प्रोक्लेन, इंडियन फाइबर, सिल्क एंड लग्जरी गुड्स। और इम्पोर्ट मतलब आता है, अब किसी दूसरे देश से लाते हैं तो क्या क्या लाते हैं, जैसे नॉन फेरस मेटल, जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, जहाँ कैम्फर कपूर है, प्रोक्लेम है, इंडियन फाइबर है, सिल्क है, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट की जाती थी। इसके ऊपर सारी इकोनॉमी जो है वो विजयनगर की बेस्ड थी। एक तो एग्रीकल्चर, उसके बाद स्पाइसी, उसके बाद जो है इम्पोर्ट। कल्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के कल्चर कैसा था। इन विजयनगर एम्पायर द हिंदू कास्ट सिस्टम वॉज प्रिवलेंट एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड। विजयनगर एम्पायर जो था हिंदू किंगडम था, और वहाँ पे जो है हिंदू सिस्टम के जो है रूल्स फॉलो किए जाते थे। हर कम्युनिटी जो है वो कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, और कास्ट सिस्टम में जो है दीज एल्डर्स सेट द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वर इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ रॉयल डिग्रीज। मतलब हर जो है
कास्ट सिस्टम में जो है रिप्रेजेंट बाय एल्डरली लोकल बॉडी, एक बॉडी बनाई गई थी, एक सभा बनाई गई थी और वही सभा जो है वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी और हर किसी को जो वो रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ते थे। अनटचेबिलिटी, ये तो पता ही, अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है, छुआछूत। अनटचेबिलिटी वाज अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम का ये पार्ट, एक पार्टी है अनटचेबिलिटी, छुआछूत लोग बहुत मानते थे। ब्राह्मण एंजॉयड हायर क्लास रेपुटेशन, ब्राह्मण जो है वो अपने आप को ऊंची कास्ट के मानते थे और उस समय जो है सती प्रथा वाज कॉमन इन यूज, उस समय सती प्रथा, सती प्रथा क्या होती है, जब किसी लेडी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही उसकी वाइफ को जो है बर्न कर दिया जाता है, जो सती प्रथा होती है। तो सती प्रथा भी जो थी उस उन दिनों में कॉमन थी। रेसलिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट मेल प्रोऑक्यूपेशन फॉर स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते थे, एक रेसलिंग जो है, जो आपको पता ही है गेम है आजकल खेलते हैं लोग जो है रेसलिंग करते हैं, तो ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट के लिए थी। उन दिनों में भक्ति मूवमेंट जो है शुरू हो गई थी क्योंकि लोग जो है कास्ट सिस्टम से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए भक्ति मूवमेंट वॉज एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम। द रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर पैटर्नाइज आर्ट एंड कल्चर एंड द रीजन इन्फ्लुएंस ए डेवलपमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। जो विजयनगर के जितने भी रूलर्स हुए हैं वो सारे आर्ट के कल्चर के पुजारी थे, मतलब उनको आर्ट और कल्चर में काफ़ी ध्यान देते थे और उसी में जो है म्यूजिक है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, उनकी डेवलपमेंट है बहुत अच्छी तरह हुई थी। और ये हम कैसे पता चलता है, देयर वर मैनी टेम्पल्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टाइल ऑफ विजयनगर एम्पायर, क्योंकि विजयनगर उस एरिया में जो है बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं जो हमें उस समय की आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। द एम्पायर रूल्ड इन द ईयर 1638 विद द राइज ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर का सुल्तान, जब बीजापुर में सुल्तान आ गए तो उसके साथ साथ जो है 1638 में जो है ये एम्पायर ख़त्म हो गई, रूल हो गई। द एम्पायर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ पौंडीचेरी, और ये एम्पायर जो है मेडिवल हिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी एम्पायर मानी जाती थी। नेक्स्ट है साउथ में बहमनी किंगडम, द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम वो अलाउद्दीन बहमन शाह ऑल्सो नोन एज हसन गंगू इन 1347। बहमनी किंगडम के फाउंडर कौन थे, अलाउद्दीन, और उनको किस नाम से जाना जाता था, हसन गंगू के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने 1347 में जो है वो बहमनी किंगडम की फाउंडर थे। उनकी इट्स कैपिटल वॉज गुलबर्गा, उनकी कैपिटल कौन सी थी, गुलबर्गा। देयर वर टोटल ऑफ 14 सुल्तान रूलिंग ओवर दिस किंगडम, इस किंगडम में 14 रूलर्स जो हैं, 14 सुल्तान जो हैं उन्होंने रूल किया था। उन सब में जो हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह फर्स्ट, फिरोज शाह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। दे फर्स्ट मेड गुलबर्गा, उन्होंने पहले गुलबर्गा को अपनी कैपिटल बनाया लेकिन बाद में जो है शिफ्ट करके बिदार को अपनी कैपिटल बना लिया था। द पावर ऑफ द बहमनी किंगडम रीच इट्स पीक, बहमनी किंगडम जो है उनकी पावर वो उनकी ऊंचाइयों पे कब पहुंची, अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह जब रूलर थे, सुल्तान थे, तो उन्होंने जो है अपनी अपनी स्टेट को ऊंचाइयों पे, सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। इन्होंने अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल और उसके बाद गोवा टू बॉम्बे तक जो है अपना रूल कायम कर लिया। और ईस्ट में जो है इन्होंने काकीनाडा से लेके रिवर कृष्णा तक जो है वहाँ तक भी अपना रूल जो है अपना जो है एक्सटेंड एरिया कर लिया था। द सक्सेस ऑफ मोहम्मद शाह वो ड्यू टू द एडवाइस एंड सर्विसेज, अब इन ये इतने सफल क्यों हुए, जो इनका जो रूलर था वो इतना सफल क्यों हुआ, क्योंकि इनके पास जो है एक बहुत ही एडवाइस देने वाला, अच्छी एडवाइस देने वाले मिनिस्टर थे मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान जो थे बहुत ही मिनिस्टर जो है, इनकी एडवाइस और इनकी सर्विसेज जो है बहुत अच्छी थी। और ये अपने जो सुल्तान थे मोहम्मद शाह थर्ड,
इनको बहुत अच्छी एडवाइस देते थे और इनके कारण ही जो है ये अपने पूरे एरिया को काफी दूर तक एक्सटेंड कर पाए। नेक्स्ट हम रीड करेंगे मोहम्मद गवा, कौन थे वो? मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड। द मेमनी किंगडम रीच इज पीक अंडर द गाइडेंस ऑफ मोहम्मद गवा। मेमनी किंग जो है मोहम्मद गवा की गाइडेंस के अंदर जो है अपनी सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंची थी। ही वॉज अ पर्शियन मर्चेंट, ये एक पर्शियन मर्चेंट थे। पर्शिया के मर्चेंट क्या होते हैं? जो व्यापारी होते हैं। ही केम टू इंडिया एट द एज ऑफ 42 जब की 42 साल की उम्र थी तब जो इंडिया आए थे एंड ज्वाइन द सर्विसेज ऑफ मेमनी किंगडम। स्लोली ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ड्यू टू हिज पर्सनल क्वालिटीज। ही रिमेन लॉयल टू द किंगडम। आते इन्होंने मेमनी किंगडम में इन्होंने जॉब कर ली और धीरे धीरे जो है अपनी पर्सनल क्वालिटीज के कारण, अपनी इंटेलिजेंस के कारण जो है ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए और ये हमेशा इस किंगडम के वफादार रहे। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड वॉज मैग्निमोनियस। ही वॉज ऑल्सो अ लर्न पर्सन। ही पजेस्ड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ही मेड एंडाउमेंट्स टू बिल्ड अ कॉलेज एट बिदार विच वॉज बिल्ट इन द पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ही वॉज ऑल्सो अ मिलिट्री जीनियस। ये एक बहुत ही सादी लाइफ बिताते थे। दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ, लेकिन ये जो है बहुत ही लर्न पर्सन थे, बहुत ही पढ़े लिखे नॉलेज वाले थे। और इन्होंने जो है इनको मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने बिदार में एक कॉलेज बनाया जो कि पर्शियन स्टाइल का था। और इसके अलावा जो है मिलिट्री में भी जो है, मिलिट्री सेवा में जो है, आर्मी में जो है, ये भी बहुत जीनियस थे। ही वेज सक्सेसफुल वॉर्स अगेंस्ट विजयनगर ओडिशा एंड द सी पायरेट्स ऑन द अरेबियन सी। इन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल वॉर्स की विजयनगर ओडिशा और सी पायरेट्स अरेबियन सी में जो समुद्रों के लुटेरे होते हैं उनके साथ भी इन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल वॉर्स करी। इसके अलावा इनकी वॉर्स में क्या क्या आता है? कोंकण के साथ, गोवा के साथ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ तक जो है सारा इन्होंने अपना एम्पायर जो है कोंकर, जो इन्होंने बेमनी किंगडम जो है इन्होंने एक्सपेंड जो है यहाँ तक कर दिया था। इन्होंने जो है हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो इनके शासन प्रबंध में सुधार किए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। दे वर एम टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ सुल्तान ओवर द नोबल्स एंड प्रोविंसेस। इनका मेन एम क्या था कि सुल्तान जो है वो नोबल्स और प्रोविंसेस से ऊपर उठे। जो नोबल्स होते हैं, जो मेन मेन जो मंत्री होते हैं, उनसे ऊपर सुल्तान होना चाहिए क्योंकि ये लॉयल थे अपने किंगडम के लिए। तो इसलिए क्या था, रॉयल ऑफिसर वर अपॉइंटेड इन ईच प्रोविंस फॉर दिस पर्पज। इसके लिए क्या किया गया, क्योंकि ताकि जो नोबल्स जो थे वो इनको धोखा ना दे सके, तो इसके लिए क्या किया गया, रॉयल ऑफिसर जो हैं हर प्रोविंस में जो हैं अपॉइंट किए गए। मोस्ट ऑफ द फोर्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस ऑफिसर। और जितने भी मेन किले थे वो सारे इन रॉयल ऑफिसर्स के अंडर थे और जो नोबल्स थे, जो मेन जो मंत्री थे, उनके अलाउंसेस कम कर दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, नोबल्स जो हैं जो इनको डिसलाइक करते थे और इसलिए जो है उन्होंने इसके खिलाफ जो है एक साजिश रची। दे इंड्यूस द सुल्तान टू पनिश हिम विद डेथ सेंटेंस। और उन्होंने नोबल्स ने जो है सुल्तान को जोर दिया कि वह इसको जो है डेथ सेंटेंस दे दें, मौत की सजा दे दें। आफ्टर द एक्सिक्यूशन ऑफ गवा द बेमनी किंगडम बिगेन टू डिक्लाइन। और जब गवा को मार दिया गया तो उसके बाद जो है बेमनी किंगडम का पतन होना शुरू हो गया। मोहम्मद शाह वॉज सक्सीडेड बाई वीक सुल्तान। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रोविंशियल गवर्नर डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। मोहम्मद शाह के जितने भी सक्सेसर हुए थे वो सारे वीक थे और इस पीरियड में जो है जो इंडिपेंडेंट जो अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। बाय द ईयर 1526 द मेमनी किंगडम हैड डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत। 1526 तक जो है मेमनी किंगडम जो है वो 5 उनके ऊपर जो है जो पूरा किंगडम जो है मेमनी किंगडम ने किया था गेन जो एरिया वो सारा 5 भागों में बट गया
और उन पांच भागों में जो है पांच इंडिपेंडेंट सुल्तान सब बन गए। वो कौन कौन से थे? देवर अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, गोलकुंडा एंड बिदार आर नोन एज दिल्ली डेक्कन सल्तनत। ये डेक्कन के सल्तनत थे। कौन कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, गोलकुंडा और बिदार। आर्किटेक्चर, द कैपिटल सिटीज ऑफ गुलबर्ग एंड बिदार हैड ब्यूटीफुल टॉम्स। द कैपिटल सिटीज ऑफ गुलबर्ग एंड बिदार हैड ब्यूटीफुल टॉम्स, मोस्क एंड पैलेसेस। मैमलुक किंगडम की जो कैपिटल सिटीज थी गुलबर्ग और बिदार, वहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम्स थी, मोस्क थे और महल थे। जामा मस्जिद एंड गुलबर्ग, गुलबर्ग में एक जामा मस्जिद है और अहमद शाह की बिदार में एक टॉम है, वो एक बहुत ही स्प्लेंडिड बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। गोल गुम्बज, द टॉम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह की टॉम जो है गोल गुम्बज, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट टॉम है। आर्किटेक्चर कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इवन वेन द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू फाइव इंडिपेंडेंट किंगडम। जब पूरा बैमली किंगडम जो है पांच इंडिपेंडेंट किंगडम में बंट गया था, उसके बाद भी जो है आर्किटेक्चर तब भी वहाँ पे कंटिन्यू टू फ्लोरिश, तब भी आर्किटेक्चर जो है उसमें तरक्की होती गई। बीजापुर इन द 17th सेंचुरी कंटेन एज मैनी एज 1600 मोस्क। बीजापुर, खाली बीजापुर में ही जो है 17th सेंचुरी में जो है 1600 मोस्क थे। द गोल गुम्बज एज एट बीजापुर एंड द फोर्ट्स एट दौलताबाद एंड गोलकुंडा आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ द बैमनी आर्किटेक्चर ऑफ द लेटर टाइम। बैमनी आर्किटेक्चर के जो है गोल गुम्बज, बीजापुर में गोल गुम्बज और गोलकुंडा और दौलताबाद में जो फोर्ट्स हैं, वह बैमनी आर्किटेक्चर के जो है बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है कि वहाँ का जो है आर्किटेक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जो गुम्बज बनी हुई है जहाँ फोर्ट्स बने हुए हैं बहुत ही अच्छे फाइन कलाकारी से बने हुए हैं। सेवन्थ क्लास आपका जो फोर्थ लेसन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे।